हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार सूजी का हलवा की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। गैस पे कढ़ाई रखी मैंने और एक कटोरी लिया सूजी। तो एक कटोरी सूजी डालेंगे कढ़ाई में और सूजी को भून लेंगे। तो इस तरह चलाते हुए लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक के लिए भून लेना है। इसे भूनते हुए 6 मिनट हो गया है, तो बस इसे हमें इतना ही भूनना है। तो सूजी को एक प्लेट में बाहर ले लेंगे। एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे 3 कटोरी पानी। तो जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से 3 कटोरी इसमें पानी डालेंगे और पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। और कढ़ाई में डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी घी लिया, इसमें से 2 चम्मच जितना घी हम कढ़ाई में डालेंगे और बाकी घी हम बाद में डालेंगे। घी के अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसे भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस इसे हमें इतना ही भूनना है। तो ड्राई फ्रूट्स को इस प्लेट में बाहर ले लेंगे और जो कि हमने पीछे बचा के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। इसमें से 1 चम्मच जितना घी मैंने पीछे रखा है जिसका हम बाद में यूज करेंगे। घी के अंदर डालेंगे भुनी हुई सूजी और सूजी को घी के अंदर अच्छे से भून लेंगे। तो लो फ्लेम पर इस तरह चलाते हुए इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं सूजी थोड़ी फूल गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इसे हमें इतना ही भूनना है और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और जो हमने पानी गर्म करने को रखा था वो पानी इसमें डालेंगे। तो ध्यान रखिए हलवे में ठंडा पानी ना डाले, गर्म पानी डाले। तो सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं सूजी ने सारा पानी सोख लिया है और इसका दाना दाना अच्छे से फूल गया है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी शक्कर। शक्कर को भी अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं शक्कर डालने के बाद हलवा थोड़ा सा गीला हो गया है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे थे वो इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। तो लास्ट में 1 चम्मच घी डालने से सूजी का हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, तैयार है सूजी का हलवा बनकर। इससे ज्यादा इसे हमें नहीं पकाना है, हल्का सा गीला ही रखना है। आप देख सकते हैं इसका दाना दाना अच्छे से फूल गया है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसे हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, सूजी का हलवा बनाते समय आप माप का बराबर ध्यान रखें। 1 कटोरी सूजी ले तो 3 कटोरी पानी ले और 1 कटोरी शक्कर और 1/2 कटोरी घी, तो आपका जो हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा स्वादिष्ट दानेदार हलवा। तो आप भी जरूर बनाइएगा और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।